इस वक्त मैं हजरतगंज में मौजूद हूं और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जिस तरह की झड़प की तस्वीरें आई हैं उसके बाद लखनऊ के कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। ये हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन है जिसको फिलहाल बंद कर दिया गया है और इसके ठीक पहले जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ के यानी कि पुराने लखनऊ में इसके अलावा जो परिवर्तन चौक है वहां पर भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगह पर झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद देखिए आप पुलिस की गश्त भी यहां पर बढ़ा दी गई है। तमाम सारे पुलिसकर्मी भी आपको सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सबसे खास बात यह भी है कि हजरत गंज में जो दोनों तरफ की दुकानें हैं यानी ये जो दाहिनी तरफ की दुकानें हैं जहां पर आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी वो सभी दुकानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। पूरा हजरतगंज आप कह सकते हैं कि एक तरह से बंद किया गया है और ये एहतियात के तौर पर एक बड़ा कदम सरकारी तौर पर उठाया गया है जिससे किसी तरह का नुकसान फिलहाल यहां पर ना हो पाए। हालांकि दुकानें बंद होने के बाद जो लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम सारे लोग दुकानें बंद करके अब सड़कों पर आ गए हैं। ये प्रदर्शनकारी नहीं है बल्कि ये दुकान में काम करने वाले या जिनकी दुकानें हैं वो लोग मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको पीछे की तरफ भी लेके चलता हूं जहां तक आपकी नजर जाएगी सबसे ज्यादा आप देखिए कि पूरा हजरतगंज ये सबसे ज्यादा जाम का इलाका होता है जहां पर बड़ी जाम हमेशा देखने को मिलती है लेकिन फिलहाल आज सभी जो दुकानें हैं उनको बंद करा दिया गया है और उसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लखनऊ में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है उसके बाद यह निर्णय लिया गया। देखिए आप इस तरफ बाईं तरफ भी आप देख पाएंगे कि यहां पर भी जो दुकानें हैं उनको लगातार बंद करा दिया गया है। तो ये एक एहतियात के तौर पर बड़ा कदम उठाया गया है और अब सरकार की तरफ से लगातार ये अपील जारी की जा रही है कि कोई भी इस जो प्रदर्शन इस तरह का हो रहा है उसमें शामिल ना हो। तो रोड के दोनों तरफ जो दुकानों में काम करने वाले लोग हैं उनको आप देख पा रहे हैं और पुलिस की गश्त भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।